हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने व्यवहारवाद के अर्थ का अध्ययन किया था। अब इस में हम व्यवहारवाद की जो उत्पत्ति और विकास और व्यवहारवाद के जो उदय के कारण हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो व्यवहारवाद का जो उदय हुआ है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण हुआ है, और व्यवहारवाद एक ऐसा विज्ञान है या व्यवहारवाद एक ऐसी पद्धति ऐसा आंदोलन है जो राजनीति विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक और अनुभाविक बनाना चाहता है। तो व्यवहारवाद की जो वर्तमान व्यवस्था है या जो विकसित व्यवस्था है उसको हम एक आधुनिक अवधारणा मानते हैं, यानी व्यवहारवाद एक आधुनिक अवधारणा है जिसका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। किंतु परंपरागत जो है या जो प्राचीन समय में भी व्यवहारवाद के कुछ अंश हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे जॉन लॉक है उसको व्यवहारवाद का आधुनिक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो उसकी उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा थी वो आनुवायिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसके अलावा जो बहुलवादी विचारक हैं उन्होंने व्यवहारवाद के अध्ययन को गति प्रदान की, उन्होंने भी मानव के जो संगठन हैं छोटे छोटे उनके अध्ययन पर बल दिया। इसी प्रकार व्यवहारवाद को विकसित करने में बेजार्ट, जेम्स ब्राइस, लावेल आदि ने भी अपना योगदान दिया। आगे चलकर कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर तथा दुर्खिम आदि विचारकों ने भी इस व्यवहारवाद के अध्ययन में गति प्रदान की या इसमें योगदान दिया। तो हम देखते हैं कि व्यवहारवाद है वो आधुनिक अवधारणा है, किंतु इसके जो कुछ अंश हैं या ये प्राचीन समय में भी ये इसके अंश हैं वो देखे जा सकते हैं। वैसे व्यवहारवाद का जो उदय हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, लेकिन कुछ विचारकों की जो पुस्तकें हैं या कुछ विचारक हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी उनके जो पुस्तकों हैं उनमें व्यवहारवाद के अंश हैं वो देखे जा सकते हैं। 1908 में ग्राम वेलेस की जो ग्राम वालास है उसकी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो राजनीति का अध्ययन जो उस समय वर्तमान में जो अध्ययन है वह असंतोषजनक है। सभी जो विद्यार्थी उन संस्थाओं का विवेचन करते हैं लेकिन मनुष्य के परीक्षण से दूर रहते हैं। तो ग्राम वालास ने उस समय जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जा रहा था उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि जो व्यवहारवाद का जो अध्ययन है वो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति के जो अध्ययन करता है ग्रामवास के अनुसार वो राजनीतिक संस्थाओं के विश्लेषण व मान्यक विश्लेषण से बच रहे हैं। तो इस तरह उनके जो दृष्टिकोण है उसमें अनुभाविक अध्ययन के का दृष्टिकोण देखा जा सकता है। दूसरा है आर्थर बेंटेल, इसकी भी 1908 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, उनमें उन्होंने व्यवहारवादी जो अवधारणा है उसका पोषण किया था। ग्राम वाला वो आर्थर बेंटेल ने कहा कि हमारा जो राजनीतिक शास्त्र है वो निर्जीव है, ये शासकीय संस्थाओं के बाहरी स्वरूप का औपचारिक अध्ययन करता है। तो जो आर्थर बेंटेल है वो कहता है कि केवल ये जो संस्थाएँ हैं उनका औपचारिक अध्ययन करता है, उनके गुण दोषों का अध्ययन करता है। जब इसे कानून की परिधि से बाहर निकाला जाता है तो एक मजाक बनकर रह जाता है। तो ग्राम वालास ने भी वो आर्थर बेंटेल ने भी जो अध्ययन किया जा रहा था उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि राजनीति की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी विशेषताओं का पता लगाने के लिए समूह के अध्ययन व अवलोकन पर बल दिया जाना चाहिए। तो आर्थर बेंटेल ने समूह के अध्ययन पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि संविधान और विधियों का अध्ययन किया जाए। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो संस्थागत अध्ययन किया जा रहा था उसके प्रति आर्थर बेंटेल ने असंतोष व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि समूह के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, और अगर हमें राजनीति को सही अर्थों में समझना है तो राजनीतिक संस्थाओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया की जो जानकारी है उसको समझना चाहिए। आगे चलकर 1925 में चार्ल्स जो मेरियम है उसने अपनी पुस्तक न्यू एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर उन्होंने बल दिया। 1928 में स्टुअर्ट राइस की पुस्तक क्वांटिटेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स तथा जी कैटलिन की 1930 में प्रकाशित पुस्तक द ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में भी व्यवहारवादी विचार हैं वो प्रस्तुत किए गए थे।
तो उनमें भी व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है उसका विकास हुआ। इसके बाद लास्पेल और कैटलिन ने भी शिकागो संप्रदाय के सदस्य के रूप में अनुभववादी और व्यवहारवादी अध्ययन का ही समर्थन किया। उन्होंने जो राजनीति विज्ञान में शक्ति संबंधों को या शक्ति के अध्ययन को अपना अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विद्वानों ने व्यवहारवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों की संज्ञा दी। तो व्यवहारवाद का जो वास्तविक विकास किया है वो अमेरिका राजनीतिक विज्ञानों ने किया है। अमेरिका में व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। और जैसे कई जो शोध पत्र प्रकाशित होते थे अमेरिका में, जैसे पब्लिक ओपिनियन है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अमेरिकन बिहेवियरल साइंसिस्ट है, बिहेवियर साइंस है आदि। इसके अलावा अमेरिका में जो इसके विकास के लिए सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना की थी, अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने मिलकर व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाया। तो ये दो संगठन थे अमेरिका के जो जिन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन को आगे बढ़ाया। इस तरह हम जो व्यवहारवादी आंदोलन के विकास में डेविड स्टर्न, लास्वेल, कोलमैन, हिल, यूलव, कार्ल ड्यूस, साइमन पावेल, बेंटेल, मेरियम, ग्राम वालास, मैक्स वेबर, मार्क्स दूकिम, फारेड, प्रेटो, मॉस्को आदि विचारों के परिणाम सुपिया व्यवहारवादी आंदोलन है वो अपनी चरम पर घुसा। तो इन सभी विचारकों के प्रयास पर व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ और वर्तमान जो व्यवहारवाद आंदोलन है वो जन्म हुआ। अब हम देखेंगे कि व्यवहारवाद के उदय के कारण, यानी किन किन कारणों से व्यवहारवाद का उदय हुआ, यानी क्यों इस नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी, क्यों परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो असंतोष है या व्यक्त हुआ, तो ये हम देखेंगे। तो पहला है व्यवहारवाद का उदय का कारण है परंपरागत राजनीति सिद्धांत के प्रति दृष्टिकोण प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में अनेक जो राजनीति शास्त्र थे उनको परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष हुआ। उन्होंने कहा कि जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं ये राजनीति विज्ञान का ये अध्ययन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करती हैं। इस परंपरागत जो अध्ययन पद्धति है या परंपरागत जो राजनीति दृष्टिकोण है उसके प्रति असंतोष के कई कारण हैं। पहला है कि जो राजनीति वैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा कि जो नीति निर्माण है इनमें राजनेताओं और जो राजनीतिज्ञ हैं इनको तो महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जा रहा था, लेकिन जो राजनीति के विद्वान हैं उनके ज्ञान कौशल अनुभव की उपेक्षा की जा रही थी, जैसे अमेरिका में हो रहा था। तो इस कारण भी उनमें असंतोष का जन्म हुआ। दूसरा जो असंतोष का कारण है वो राजनीति जो विद्वान थे उन्होंने देखा कि इस जो अध्ययन परंपरागत जो राजनीतिक दृष्टिकोण था इसके अंतर्गत केवल शासन के संस्थागत अध्ययन पे बल दिया जा रहा था जो कि विश्वसनीय या पर्याप्त नहीं था। इसके साथ ही जो सैद्धांतिक और जो यथार्थ था उसमें काफी अंतर था। इस कारण भी राजनीति के विद्वानों में इसके प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। तीसरा जो कारण है वह कि जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जो फांसीवादी, नाजीवादी, एकाधिकारवादी, प्रजातिवादी जो विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी उनके उदय, विकास और लोकप्रियता के जो कारण हैं उनका अध्ययन है वो परंपरागत पद्धतियों से संभव नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसे व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा रहा है और ये अध्ययन है काफ़ी सीमित है। चौथा कारण है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें राजनीति विज्ञान के विकास और निरंतर लोकप्रियता के बावजूद भी उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा था, वर्णनात्मक का। तो इस कारण भी राजनीति विज्ञानों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका में जो वातावरण था उनमें हमें जो राजनीति विज्ञान के विद्वान थे उनके अनुसार जो उस समय पाश्चात्य जो पश्चिमी केवल संस्थाओं और जो राजनीति व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा था उसको सभी जगह लागू नहीं किया जा सकता था। एशिया, लेटिन अफ्रीका जो और अमेरिका जो लेटिन अमेरिका थे तो इन जो देशों में नए नए स्वतंत्र जो राज्य उदय हो रहे थे उनकी समस्याएं, चुनौतियों इनका अध्ययन है वो परंपरागत दृष्टिकोण से संभव नहीं था। तो उसके लिए नई नई प्रकार के अध्ययन पद्धतियों और अवधारणाओं की आवश्यकता थी। तो इस कारण भी परंपरागत जो राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है या जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनके प्रति असंतोष है वो व्यक्त हुआ। दूसरा जो कारण है वो
परंपरागत राजनीति विज्ञान वो जो व्यवहारवाद के उदय का जो दूसरा कारण है वो द्वितीय विश्व युद्ध है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण भी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो राजनीति विज्ञान है उसमें अनेक प्रकार की चुनौतियां आई और राजनीतिक शास्त्रियों के मन में ये बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए जो राजनीतिक संस्थाएं और संरचनाओं के अध्ययन से आगे बढ़कर हमें अध्ययन करना होगा, तभी हम राजनीति जो जटिलताएं हैं उनको समझ सकते हैं। अगला है यूरोपीय विद्वानों का योगदान है जो व्यवहारवाद के उदय का, तो अगस्टिन, कांटे, दुखी, मार्क्स आदि जो राजनीतिक विद्वान थे उन्होंने व्यवहारवाद के अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। उन्होंने अपने जैसे कांटे ने अनुभवकारी पद्धति को विकसित किया और वैज्ञानिक पद्धतियों को सामाजिक तथ्यों पर लागू किया। इसी तरह मार्क्स ने भी राजनीतिक कार्यों की सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की। दुर्खीम ने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या की। इस कारण जो यूरोपीय विद्वानों के प्रयासों से भी व्यवहारवाद का उदय हुआ। अगला जो कारण है वो समाज विज्ञानों का प्रभाव, जो अन्य समाज विज्ञान है उसका प्रभाव। जो अन्य समाज विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि में जो वैज्ञानिक क्रांति वो पहले ही हो चुकी थी, उन जो समाज विज्ञानों में नए नए दृष्टिकोण और जो पद्धतियों का है प्रयोग हो रहा था वह विकास हो रहा था। राजनीति विद्वानों ने भी इन जो समाज विज्ञान है उनमें परिवर्तन को देखकर स्वयं राजनीतिक शास्त्र को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया। तो अन्य जो समाज विज्ञानों में जो नई नई पद्धतियाँ, नए नए शोध हो रहे थे उनको राजनीति विद्वानों ने भी राजनीति विज्ञान में लागू करने का प्रयास किया, जिसके कारण व्यवहारवाद का जन्म हुआ। अगला है राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने भी व्यवहारवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1940 में सेंट्रल एडवांस स्टडी की स्थापना ने भी व्यवहारवाद को प्रोत्साहन दिया। तो अमेरिका के अंतर्गत जो ये संस्थाएं उत्पन्न की गई थी जिनके द्वारा व्यवहारवादी अध्ययन को प्रमुखता दी गई और इन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन को बढ़ावा दिया, इस कारण भी व्यवहारवाद का जन्म हुआ। इस तरह जो नई नई अध्ययन पद्धतियां विकास हुई थी, नई नई शोध के जो आंकड़े जैसे नई नई पद्धतियां, नए नए व्यवहार के तरीके का विकास हो रहा था, उसी प्रकार से व्यवहारवाद का उदार हुआ। अन्य जो विज्ञान है या अन्य जो समाज विज्ञान है उनमें नई नई पद्धतियाँ, नई नई जो अध्ययन के थे वो दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहे थे और इनको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी लागू किया गया। तो इस तरह इन जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय की जो चुनौतियाँ थी या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीति विज्ञान में जो चुनौतियाँ उत्पन्न हुई उनके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान को व्यावहारिक और आनुभविक बनाने के लिए, उसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए व्यवहारवादी आंदोलन है उसका उदय हुआ। तो ये निम्न कारणों से व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ। धन्यवाद।